हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। मैंने कल आपको एक पाठ पढ़ाया था। इसका नाम था ए हीरो। पाठ नंबर 5 था। उस पाठ को मैंने स्टार्ट किया था। आज हम उस पाठ के आगे अगले हिस्से को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। गणेश है, दादी ने कहा, डोंट कवर योर फेस, अपने चेहरे को मत ढको। यू आर रियली वेरी स्लीपी, आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या आपको बहुत अधिक नींद आ रही है? स्वामी लेंट ओवर एंड स्टेज पर। अब स्वामी झुका एंड विस्पर्ड और बुदबुदाया। खड़ा हुआ बिस्तर में से और झुक करके दादी के पास, तुरंत कान के पास विस्पर्ड और बुदबुदाया, प्लीज प्लीज, कृपया कृपया, शटअप, चुप रहो, प्रेमी दादी, डोंट टॉक मी, मुझसे बात मत करो, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और कोई भी यदि मुझे आवाज़ दे, इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, कोई भी आवाज़ ना दे, चाहे घर में आग लग जाए। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस, यदि मैं इस समय तुरंत नहीं सोया, आई शैल परहैप्स डाई, तो शायद मैं मर जाऊंगा। ही टर्न ओवर, मैं तुरंत घुमा, कर्ल्ड अपने आप को, समेटा एंड स्नोर्ड, और इस प्रकार से खर्राटे बनने लगा अंडर द ब्लैंकेट, संभल के नीचे, अंटिल जब तक ही फाउंड ही फा, उसने पाया ही ब्लैंकेट फोल्ड अवे, जब तक कि वह खर्राटे से, एक प्रकार से खर्राटे बनने लगा, जब तक कि किसी ने उसका कंबल खींच करके उसे आवाज नहीं दी। फादर वाज स्टैंडिंग ओवर हिम, पिताजी उसके सामने खड़े हुए थे। स्वामी गेट अप, स्वामी खड़े हो जाओ, ही सर, उसने कहा। ही लुक्ड लाइक एंड एप्रिहेंशन इन द सेमी डार्क इन द पैसेज। ही लुक्ड हुए दिखाई दे रहे थे, लाइक एंड एप्रिहेंशन, एक दैत्य की तरह, भूत की तरह, इन द सेमी डार्क, अंधेरे में, इन द पैसेज, गलियारे में। स्वामी को अपने पिताजी एक भूत दैत्य की तरह दिखाई दे रहे थे, अंधेरे में, उस गलियारे में। विच वॉज लिट बाई ए कॉन ऑफ लाइट रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, जिसमें होकर के वॉज लाइट, एक बिंदु किरण ऑफ द कौन कोने से ऑफ लाइट प्रकाश का, रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, हॉल के जो लैम्प था, उस हॉल के लैम्प में से एक छोटा सा कहीं पर बिंदु था, उस बिंदु में से एकदम तीव्र एक प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई दे रही थी। स्वामी स्टेयर एंड ग्रोन एज सिंपली, स्वामी ऐसे बुदबुदाया जैसे मानो वह बहुत अधिक नींद से जाग रहा हो, ग्रोन कराया। फादर सर, पिताजी ने कहा, गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ, गर्नी प्लीडर। दादी ने बीच में, अब प्लीडर का मतलब निवेदन करना, लेकिन दादी निवेदन नहीं करेगी, इसे रोका, टोका। व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसा उसने उनसे पूछा, अपने लड़के से। गेट अप स्वामी के पिताजी से, गेट अप, खड़े हो जाओ स्वामी, ही सैड एंड इज फोर्थ टाइम, उसके पिताजी ने उससे चौथी बार कहा। एंड स्वामी गॉट अप, और स्वामी खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप, पिताजी ने उसके बिस्तर को गोल किया, इस प्रकार से गोल कर देते हैं, इस प्रकार से गोल किया हिज बेड, उसके बिस्तर को।
एक अंडर हियर और उसे रखा अपनी बांह के नीचे अर्थात कांख में, उसने उसे अपनी कांख में रखा। एंड शेयर था संवेदनी मेरे साथ आओ स्वामी, लुक्ड एट ग्रैनी। स्वामी ने दादी की ओर देखा, हेजिटेटेड, हड़बड़ाते हुए फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, एंड फॉलोअर्ड हिज फादर और अपने पिताजी के पीछे इनटू द ऑफिस रूम। ऑफिस में कि कमरा था उनका, उससे मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो कमरा था वो, ऑफिस रूम था। ऑन द वे रास्ते में मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा गया। ही थ्रू ए लुक ऑफ अपील, उसने एक निवेदन किया, दृष्टि डालना एट इज मदर, अपनी माँ की ओर। एंड शी सेड, और उसने कहा, उसकी माँ ने कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस, क्यों तुम इसे अपने ऑफिस में क्यों ले जा रहे हो? इट कैन स्लीप इन द हॉल। इट कैन स्लीप इन द हॉल, यह हॉल में ही सो सकता है। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, आई डू नॉट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता फादर सर, पिताजी ने कहा। वही सोचना मेरी सोचना था कि मेरा इस प्रकार सोचना नहीं है। एंड स्वामी लिंक बिहाइंड विद हिम बॉब्ड हेड, और स्वामी सलंक टूटता हुआ पैरों को पटकता हुआ पीछे पीछे सिर झुकाता हुआ पिताजी के पीछे चलने लगा। लेट मी स्लीप इन द हॉल, मुझे हॉल में ही सो जाने दो फादर पिताजी, स्वामी पीड़ा स्वामी ने निवेदन किया। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, तुम्हारा ऑफिस रूम बड़ा ही धूल भरा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक, और तुम्हारी उन किताबों के पीछे बिच्छू भी हो सकते हैं जो आपकी कानून की किताबें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बताया गया है कि स्वामी के पिताजी का जो ऑफिस था, वह ऑफिस एक लॉयर का था, अर्थात उसके पिताजी एक वकील थे जिसके पास उनकी अलमारियों में लॉ की किताबें आदि चीजें रखी हुई थी। वह उसके यहाँ पर यह बात एक निकल कर आई है कि स्वामी के पिताजी क्या काम किया करते थे, आपको ये प्रश्न उसने छुपा कर रखा ये बताने के लिए। उसने बताया, लॉ बुक, लॉ बुक किसके पास हो सकते हैं? कानून, कानून वाले के पास। और कानून कौन? लॉयर, वकील। देयर आर नो स्कॉर्पियन, तो वहां पर कोई भी बिच्छू नहीं होंगे। लिटिल फॉलो, अच्छे दोस्त, स्लीप ऑन द बेंच, आप सो सकते हो बेंच पर इफ यू लाइक, यदि आप चाहो तो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं पिताजी एक कमरे में लैम्प जला सकता हूँ? नो, नहीं, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्क डार्कनेस। नहीं, यू मस्ट, तुम्हें सीखना होगा नॉट टू अफ्रेड, डरना ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से। यही तो तुम्हें सिखाना है कि आप अंधेरे से नहीं डरो। यदि आप अंधेरे से डरने वाली बात नहीं होती तो मैं फिर आपको सिखलाता ही क्यों। मैं तो आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप में साहस कितना है। इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह एक प्रश्न केवल आदत का ही नहीं। यू मस्ट कल्टीवेट गुड हैबिट, आपको अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। वेल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, तो क्या मैं पिताजी अपना दरवाजा खुला रख सकता हूँ? ऐसा वह विभिन्न प्रकार के बहाने बनाने लगा। कभी कहता कि भाई आपकी किताबों के पीछे बहुत धूल है, आपका कमरा गंदा है, आप कैसे मेहमान ही सो सकता,
और उसके बाद वह फिर दोबारा वाणी लगाने लगा, आपकी किताबों के पीछे तो बहुत अधिक बिच्छू हो सकते हैं, बहुत अधिक कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, यह इस प्रकार से कहने लगा। वह फिर उसके बाद में जब उसे कुछ नहीं दिखा तो उसने क्या कर कहा, पिताजी क्या मैं सो जाऊंगा, चलो, लेकिन क्या मैं अपने कमरे में क्या कर सकता हूँ, लैंप जला सकता हूँ? तो उसके पिताजी ने कहा, नहीं, आपको अपना साहस दिखाना है, आपको अच्छी आदतों का विकास करना है, सिर्फ छूने वाली बात नहीं है, आपको तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है, इसलिए आपको ऐसी आदत डालने के लिए आपको ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अब वह बोला, क्या मैं आप अपना दरवाज़ा खुला छोड़ सकता हूँ, खुला रख सकता हूँ? ऐसा उसके पिताजी ने पिताजी से उसे ना स्वामी ने कहा। आखिर में कुछ दोनों में समझौता होता है, समझौता क्या हुआ? ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड, लेकिन एक वायदा करो कि तुम अपने बिस्तर गोल नहीं करोगे, एंड गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट, और अपनी दादी की पास नहीं जाओगे दोबारा सोने के लिए। इफ यू डू इट, यदि तुम ऐसा करते हो, माइंड यू, ध्यान रखो, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। तो ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक ऐसी मजाक की वस्तु बना दूंगा आपके विद्यालय में। ऐसा उसके पिताजी ने उसे और अधिक प्रताड़ित कर दिया। ऐसा नहीं है आप आसानी के साथ आप जैसा हो करोगे, आप भाग कर नहीं जाओगे, आपको यदि आप भाग कर जाते हैं तो आपको एक आपके विद्यालय में ही एक मजाक सी चीज बना दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, आपका नाम विद्यालय में एक कायर की सूची में डाल दिया जाएगा। ऐसा उसने उसके पिताजी ने उसे समझाया। ऑल राइट, स्वामी, अब स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामी को लगा कि अब वह बिल्कुल अपनी मानवता से कट जाएगा, अर्थात और उसे बहुत अधिक डर लगाने डरने लगा। यदि ऐसा हो गया, पिताजी ने कुछ कह दिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। समस्या ये हो जाएगी कि फिर वो लोग क्या करेंगे, वो स्कूल में कहेंगे, स्कूल में कहेंगे, सभी लोग उसे चिढ़ाएंगे, और जब चिढ़ाएंगे तो बहुत ही बड़ी समस्या उसके दिमाग में पैदा हो गई कि ऐसा नहीं होना होना चाहिए। वह दुखी था एंड एंग्री और गुस्से में था। कमाल कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति बना रहे हैं, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं। ऐसा वो सोचने लगा। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी ही सा इन हिज फादर नेचर। ही डिड नॉट लाइक, ऐसा उसने कभी नहीं देखा स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी इतनी निर्दयता। ही सा इन हिज फादर नेचर, अपने पिताजी के व्यवहार में जितनी उसने इस समय एक तीखी निर्दयता कह सकते हैं आप, ऐसी देखी थी, वह उसने कभी भी इससे पहले अपने पिताजी के व्यवहार में नहीं देखी। आज उसे जितना कड़वा व्यवहार उसके अब अपने पिताजी का दिखाई दे रहा था, ऐसा उसने आज तक कभी भी नहीं देखा था। ये है टैड द न्यूज़पेपर, उसे घृणा हो गई अखबार से, और फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी, जिसमें वह सीते की कहानी छपी हुई थी, उस सीते वाली कहानी को छपे हुए अखबार से उसे बहुत अधिक घृणा हो गई। विस्मर और उसकी इच्छा हुई, या वह सोचने लगा, देयर इज अ टाइगर, हैडंट स्प्रेड द बॉय, कि उस सीते ने इस लड़के को क्यों छोड़ दिया। स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग सोचते हैं, अरे यार इसको क्यों, मर जाता था कंटक करता साला, फिर दर्दी तो ना खानी पड़ती।
इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं, आप भी सोचते हैं, आपके भी दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं। हु डिड नॉट अपीयर टू बी ए बॉय, वह उसे एक अब इस समय लड़का दिखाई नहीं दे रहा था। आफ्टर ऑल बट ए मॉन्स्टर, बल्कि वह उसे एक जिंद भूत के साथ की तरह दिखाई दे रहा था। उसे वह लड़का दिखाई नहीं दे रहा था, ये लड़का नहीं है, ये भूत या जिंद है। इस प्रकार की चीजें वह अपने अपने आप में सोचने लगा। ये कहानी उसे बुरी लगी लगी, साथ ही साथ वह सोचने लगा ये कोई लड़का नहीं था, ये साला भूत था जो भिन्न भिन्न प्रकार की ये कहानियां कर रहा था। ऐसा वह सोचने लगा। एज द नाइट एडवांस, अब धीरे धीरे वह कमरे में चला गया, कमरे में चला गया, बिस्तर लगा दिया, बिस्तर लगा लगा दिया तो जहाँ उसकी छत वहाँ लगा दिया, लेकिन अब उसका दरवाजा भी खुला छोड़ दिया गया। लेकिन उसमें शर्त रख दी गई कि आप दरवाजे से बाहर नहीं जाएंगे, अर्थात आप अपनी दादी माँ के पास नहीं जाएंगे, अपने माँ के पास जा करके नहीं सोएंगे। ऐसा एज द नाइट एडवांस, और धीरे धीरे रात बढ़ने लगी। एंड द साइलेंस, और चुप्पी शांति इन द हाउस डिपेंड, घर में गहराने लगी। रात्रि बढ़ने लगी, और जैसे ही रात्रि बढ़ने लगी तो धीरे धीरे शांति छाने लगी। हिज हार्ट, उसका हृदय भी जोर जोर से धड़कने लगा। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा, फास्टर, तेजी के साथ। ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आ रहा था ऑल द स्टोरीज, सारी कहानियाँ उसे याद आने लगी, सारी कहानियाँ ऑफ डेवल्स, भूतों की, डेवल्स प्रेतों की एंड घोस्ट भूतों की। जैसी वह उसमें अंदर से सोने लग सो गया, सोने क्या, उसे नींद नहीं आ रही थी, वह धीरे धीरे शांति छाती चली गई, बिल्कुल घर में शांति हो गई। अब उसका हृदय जोर जोर से धड़कने करने लगा। अब उसे बहुत सी कहानियाँ भूत और प्रेतों की याद आने लगी। ही हैड हियर्ड इन हिज लाइफ, जो उसे अपने सुनाई गई थी। हाउ ऑफन हैड इट कम, कैसा हुआ, उसका एक मित्र था, एकदम उसका एक मित्र, चमन मित्र मनी, उस मनी के साथ कैसा हुआ। सीन द डेवल इन द बनियन ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड, उसने देखा एक पिशाच को, रेत को, बनियान बरगद के पेड़ के नीचे, एट हिज स्ट्रीट एंड, जहाँ उसका अंतिम गली का अंत होता है, वहाँ पर जो पेड़ था, एक पीपल का, बरगद का जो पेड़ था, उसके नीचे उसने एक प्रेत को देखा, एक पिशाच को देखा। ऐसा वह सोच रहा था। एंड वाट अबाउट पुअर, और उस बेचारे मनीषम फादर, मनीष के, ये मनीषम के पिताजी जो थे, हु स्पायर, जिसने उगला, आउट ब्लड खून, एक बिकॉज द डेवल नियर द रिवर, क्योंकि तालाब के किनारे एक नदी के, नदी पर एक प्रेत ने एक स्लैप्ड, उसे स्लैप थप्पड़ मारा उसके गाल पर। और उस विभिन्न प्रकार की कहानी सोचने लगा कि मनी का क्या होगा, मनी का क्या हुआ, उसने जो भूत देखा था, और मनी सब के जो पिताजी थे, उस पिताजी का क्या हुआ, जिसमें जिसको कि एक नदी के किनारे जब वे अपने
घर को वापस लौट रहे थे एक रात्रि को, तो एक पिशाच आया और पिशाच ने उसके गाल पर एक जोर से थप्पड़ डाल रखा, थप्पड़ डाला, और थप्पड़ डालते ही वह उसके खून की उल्टियां से होने लगी। एंड सो ऑन, और इतना चलता रहा, एंड ऑन चलता रहा। ही थॉट उसकी सोच के अनुसार कंटिन्यू लगातार लगातार उसके दिमाग में सभी चीजें चलती रही। ही वाज फेंट विद फियर, वह बुरी तरह से डर से जकड़ा जा रहा था। ए रे ऑफ लाइट, एक लाइट की किरण फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, गली के लैंप से स्टेयर्ड इन द कास्ट शैडो ऑन द वॉल। स्टेयर्ड छितर रही थी, कास्ट शैडो प्रवेश कर रहे, कास्ट शैडो छक रही थी ऑन द वॉल दीवार पर। थ्रू द स्टिलनेस, इस समय बिल्कुल शांति थी, ऑल काइंड ऑफ नॉइज सीख हिज ईयर टिकिंग ऑफ द क्लॉक, विभिन्न प्रकार के शोरगुल उसके कानों में पहुंच रहे थे, जैसे घड़ी की टिक टिक, रसल ऑफ ट्री, पेड़ों की सरसराहट, स्नोरिंग साउंड, खर्राटों की आवाजें, एंड सम बैग्यू नाइट इंसेक्ट हमिंग, और रात्रि में विचरण करने वाले कुछ कीड़े। भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें कर रही थी इस समय, क्या है उसे आवाज सुन रही थी, घड़ी की, पेड़ों की और खर्राटों की आवाजें, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कीड़ों की आवाजें उसे सुन रही थी। ही कवर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कवर्ड किया विद द ब्लैंकेट, कंबल से। एज इस प्रकार से एक पर एंड आर्मर जैसे व्यवस्था एक अचूक अस्त्र हो, उसका एक कवच हो। कवर्ड हिमसेल्फ सो कंप्लीटली दैट इट वॉज हार्डली ब्रीच। अब उसने ऐसे इस प्रकार से अपने आप को इतना कवर्ड कर लिया कि जैसे कि वह अपनी मुश्किल से ही उसमें से सांस ले सके। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण ये स्ट्रक्चर उसे आशा थी, 2 मिनट के बाद उसे आशा थी कि डेवल टू कम अप, एक प्रेत आएगा एंड क्लंच और पकड़ लेगा एट इज ब्रॉड के गले को, टू कैरी हिम अवे, और वह उसे ले जाएगा, ऐसा वह सोच रहा था। दियर वाज द इंस्टेंस ऑफ द ओल्ड फ्रेंड, उसके याददाश्त में आ गई, दिमाग में आ गई एक उसके पुराने मित्र की, इन द फोर्थ क्लास, जो चौथी क्लास में पढ़ा करता था, हु सडनली, जो अचानक डिसअपीयर्ड, गायब हो गया, एंड वाज सैड टू हैव बीन केयर्ड ऑफ बाई ए घोस्ट टू स्लैमर नेपाल। ऐसा कहा जाता है कि उसके दोस्त को एक भूत या जिंद उसे उठाकर नेपाल ले गया। तो इस प्रकार के विभिन्न बहाने बनाते हुए आखिर में उसके पिताजी उसे सुला देते हैं, और सुलाने के बाद वह उस कमरे में आ जाता है। कमरे में वह विभिन्न प्रकार की रात्रि की आवाजें सुनता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की आवाजों को रात्रि में सुनने के बाद वह बहुत अधिक परेशान हो जाता है। परेशान होकर के फिर वह अपने आप को वह एक कंबल से इस प्रकार से ढक लेता है जैसे कि उसे कोई परेशानी ना हो। वह मुश्किल से सांस ले पाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आती हैं, कहीं पर खर्राटे की आवाजें, कभी तो शांति तसल्ली बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आती हैं, कोई कहीं से खर्राटे की आवाज आ रही, पेड़ों के सरसराहट की आवाज आ रही, घड़ी की ठिक ठिक की आवाज आ रही थी। कुछ कीड़े ऐसे थे जो रात्रि में ही निकलते हैं, ये रात्रि में निकल करके भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें करने लगे, और इसी के बीच उसे अपने दोस्तों की कहानी याद आ गई कि वह उसका दोस्त एक चौथी क्लास पढ़ता था, उसे भूरे से पकड़ कर बाहर ले गया, उसे याद में याद आने लगा कि उसका जो
उसके जो दोस्त था उसके पिताजी थे, वो उसको पिताजी को किस प्रकार से एक प्रेत ने, एक भूत ने उन्हें थप्पड़ डाल दिया था। थप्पड़ डालते ही उनके एक पसीने, उसके खूनों की उल्टियाँ होने शुरू हो गई थी। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ याद आने लगी। अभी तक वह सोया नहीं था, इन सब चीजों में उसका दिमाग घूमता हुआ जा रहा था। धन्यवाद। प्लीज आगे कल आपको पढ़ाया जाएगा अगले उसमें। तो इन सब चीजों के साथ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बार बार निवेदन किया जा रहा है, आप अधिक से अधिक कोशिश करें किताब को समझने का, प्रयास करने का, जिससे कि आप अपना कोर्स पूरा कर सकें और आगे विद्यालय का व्यवस्थाएं आपको बता दी जाएंगी, जैसे भी स्थितियां होती हैं उसी के अनुसार। लेकिन जितना समय आपको मिल रहा है उस समय का आप अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.